हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी हम अगले क्लास में आप लोग को बताए थे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, सारे फ्रैक्शनों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे अगले क्लास में। आज हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का जोड़, क्या फ्रैक्शन का जोड़, फ्रैक्शन के जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि लाइक फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन जिसके क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन का अगर हमें जोड़ करना हो, मान लीजिए कि लाइक फ्रैक्शन, आपको पता है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, आप लोग को अगले क्लास में बताया गया था लाइक फ्रैक्शन के बारे में कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। मान लो 3/2 + 4/2 + 5/2, अगर इसका करना हो, लाइक फ्रैक्शन का अगर करना होता है एडिशन, तो सिंपली ऊपर के जितने भी न्यूमरेटर रहते हैं उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर यानी 3 + 4 + 5 3 + 4 7 7 और 5 12, क्या होगा 12 12/2। चलिए तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करते हैं, सबसे पहले एक लाइन खींच देंगे, हम लोग क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे, और तीनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अच्छा, अगर तीनों डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्या करेंगे, एक को उतार लेंगे। उतार लिए, उतारने के बाद ऊपर के जितने भी न्यूमरेटर हैं यानी 3 + 4 + 5, इन तीनों न्यूमरेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना आएगा, 3 + 4 7 7 + 5 12 12/2, यही इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको भी छोटा करना चाहते हैं या इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, आप लोग को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बताए थे, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बस ऊपर का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, डिवीजन कर देंगे। 12 में अगर भाग जाए, 12 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 = 12, इसका सिंपल ही ये आंसर आएगा। लेकिन अगर हमें फ्रैक्शन में निकालना है तो 12/2 ही रहेगा इसका आंसर। तो चलिए, लाइक फ्रैक्शन का तो आप लोग को पता है कि लाइक फ्रैक्शन का आसानी से निकल जा रहा है। लाइक फ्रैक्शन का क्या है, न्यूमरेटर को जोड़ना है, डिनोमिनेटर को रख देना है। लेकिन अभी हम लोग को अनलाइक फ्रैक्शन यानी अनलाइक फ्रैक्शन को अगर ऐड करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। अनलाइक फ्रैक्शन, चलिए अनलाइक फ्रैक्शन आपको मालूम है कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, असमान हो, एक समान ना हो, अलग अलग हो ना, डिफरेंस हो अलग अलग। तो चलिए हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं, और 3/2 + 4/2 + 5/6, ये हो गया क्या है, सबका डिनोमिनेटर भी अलग अलग है और न्यूमरेटर भी अलग अलग है। तो इसको क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबका एक कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 3 का डिनोमिनेटर जितने भी इसके नीचे हैं, तीनों डिनोमिनेटर का एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम निकालने, तो एलसीएम हम अगले क्लास में आपको बता देंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। लेकिन इसका कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा कोई फैक्टर निकालिए जिससे तीनों यानी तीनों डिनोमिनेटरों का भाग देने पर चला जाए, पूरे पूरे डिवीजन हो जाए। तो 3 2 = 6 2 3 = 6, यानी तीनों का कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, 6, तीनों का कॉमन फैक्टर 6 निकला। अब 6 में क्या करेंगे, इस 3 से क्या करेंगे, 6 में डिवीजन करेंगे, 6 में डिवाइड कर, डिवीजन करने यानी 3 2 = 6 हो रहा है, 3 2 = 6। तो 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 = 6 और 2 में मल्टीप्लाई कर दिए। फिर 2 का क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, किसको, 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6 हो रहा है, तो प्लस 4 × 2 3 = 6, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, फिर प्लस 6 1 = 6 6 का 6 में भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 = 6, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आंसर होगा, 2 2 = 4 प्लस 4 3 = 12 प्लस 5 1 = 5, और 6 को ऐसे ही डिनोमिनेटर उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, तीनों को न्यूमरेटरों को जोड़ देंगे, न्यूमरेटर को जोड़ने पर कितना आएगा, 12 और 4 16 16 और 5 21 21/6, ये इसका क्या है, आंसर है। आप लोगों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों का एडिशन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले सेक्शन में हम आपको एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।